ये तस्वीर जो हमारे साथ जो पहुंच चुके हैं जी जगमाल जी इस प्रवाड़िया जो आप डाल को नहीं जानता इनका हो तो यहाँ पर जो पहुँचे हैं सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज कृषि मंत्री जी पहुँच रहे तो कृषि मंत्री जी के लिए क्या कुछ कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी किसानों का और गौ माता का बहुत ध्यान रखते हैं जी सभी गौशाला का ध्यान रखते हैं खेती बाड़ी में भी किसानों की समस्याओं का करते हैं पानी की व्यवस्था नहरों में वो बढ़ाते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आज नया शहर हमारे इसवा के शेख आनंद आया है और उसका लिए भी आप खास बात कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया बात है जी हमारे शेख जी ने सौरभ जी ये चतुर जी ने बनवाई है इसके उद्घाटन पे बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मंत्री जी का और वो कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या कहेंगे आप मंत्री जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं बड़ा सुन हुआ हाँ जी वैसे भी मंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी से है उनकी अपनी सरकार की भी नीति में ये शामिल है और मतलब वो कुछ ना कुछ गौशाला के लिए जरूर करके जाएंगे उनका काफ़ी कुछ करेंगे समाज में भी इसके प्रति जागरूकता आई हुई है जी तो समाज भी काफ़ी सहयोग करेगा कौन कौन नेता पूछ रहे कुछ आपको जानकारी हो वो अपने विधायक जी जो शशि रंजन परमार जेपी दलाल जी और उनके साथ मंडल के और जिला के पदाधिकारी आएंगे जी तो यहाँ पर जी आज आप खाटू श्याम गौशाला के अंदर पहुँचे हो और हरियाणा कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी पहुँच पा रहे हैं तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आप हम उनसे यही कहेंगे कि भी हमें सरकारी बजट में से गऊओं के लिए कुछ समाज की तरफ से उनसे मांग रखी जाएगी गऊओं के लिए बीजेपी की नीति भी है गौ माता के सामने वो मान देना आपको जो दिखा पा रहा हूँ जो यहाँ पर जो काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं जो तस्वीरों के अंदर आप जो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो काफ़ी लोगों एक उत्साह बना हुआ है जो संडवा गौशाला के अंदर जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो उत्साह अंकल एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे तो आज आप बहुत पब्लिक आ रही है क्या कहेंगे सर पब्लिक के लिए आप पब्लिक के लिए ये कहेंगे कि भाई गौ माता की जो ना आप सेवा करिए ठीक है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और जेपी दलाल जो है कृषि मंत्री जो मेरा बड़ा भाई छोटा भाई आ रहा है सिर्फ ये तुम्हारी जो है पर्सनल जो समस्या है ना वो पूरी समस्या सुनेगा और जो हाजिर तुरंत फैसला होने वाला तो स्टेज पर ही कर देगा बिल्कुल बिल्कुल क्या जी जी छोटा छोटा एक बच्चा छोटे बच्चे से बात करना चाहेंगे क्या नाम है बेटा आपका कौन आ रहा है इधर नहीं मालूम कौन आ रहा है कौन नेता आ रहा है इधर मालूम है कुछ तो देखिए यहाँ पर श्री जेपी लाल जी पहुँचेंगे बेटा कौन है जेपी लाल कृषि मंत्री हरियाणा के कृषि मंत्री अच्छा अच्छा तो वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो आप भी उनको देखने के लिए आए हो चलिए बहुत अच्छी बात है तो अभी जो यहाँ पर तस्वीरों के अंदर जो गौशाला के जो संचालक हैं उनसे भी आज हम बात करने के लिए एक बार फिर रूबरू होंगे खाटू श्याम गौशाला के अंदर जब पहुंच रहे हैं तो सर नमस्कार नमस्कार भाई जी अनुभव करमवीर जी बढ़िया जी तो आज यहां पर हरियाणा के कृषि मंत्री आज बहुत खुशी का दिन है क्या कुछ कहेंगे उनके लिए क्या कहूँगा बहुत खुशी का दिन है और इस मेरा तो मकसद यही है आके यहाँ गौ माता प्रवाण में गौ माता का आशीर्वाद लें और यहाँ की सेवा देखें बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि मंत्री जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कुछ और भी बजट तो देके जाएं गौ माता को करवाएगी क्या करवाएगी अपने हाथ में कुछ नहीं परमात्मा का हाथ में जो सरकार को ज़्यादा सहयोग करना चाहिए गाँव तो कर ही रहा है जी गाँव गुआंड तो सरकार को भी ज़्यादा योगदान देना चाहिए आप क्या कहेंगे सर सर ये बहुत ही नेक कार्य है जो सिंडवा गांव में पिछले 10-12 साल से गौशाला का आयोजन किया जा रहा है और पशुओं की सेवा बढ़िया तरीके से हो रही है आज मंत्री जी से लोगों को आशाएं हैं कि भाई वो अच्छा कुछ अनुदान है तो अंकल आज आप यहाँ पर पहुँचे हो तो दलाल साहब कृषि मंत्री आ रहे हैं क्या कहेंगे सर हमें तो नहीं पता भाई जो गौशाला में जो कमी है थोड़ी घनी वो पूरी करें बिल्कुल आप ये अंकल जी दूसरे अंकल जी से बातचीत करना चाहेंगे अंकल जी आज कृषि मंत्री जी पूछ रहे खाटू श्याम बहुत गौरव की बात है बहुत अच्छी बात है तो कृषि मंत्री यहाँ पर पहुँचा क्या बताना चाहेंगे आप क्या कहेंगे कृषि मंत्री जी क्या लगता है आपकी यहाँ क्या नाम है जी आपका जी मेरा नाम ज्योति है जी कहाँ से पहुँचे आप मैं संडवा से हूँ जी तो क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर आज यहाँ पर पहुँचे कोई खास प्रोग्राम आज जो गौ माता जी हैं उनका यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है
इसी के ऊपर हमारे जो जेपी दलाल जी हैं वो भी आ रहे हैं। गौ सेवा का जो मौका है हम सबको मिला है, तो इसमें भाग लेना और हमारा सबका सहयोग से ही गौ माता है, जो गौ है वो हमारी माता है, उसके लिए हमें जितना भी हो सके हमें अपने गाँव को, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उनको इसमें सहयोग देना चाहिए। क्या कहूँ, और गौशाला के अंदर पहुँचे हो? गौशाला में आज हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे गौओं की सेवा करनी चाहिए, हमें गौ माता का योगदान है वो बहुत बहुत देना चाहिए, हमें तन मन धन से देना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो ये तस्वीर आप जी बताइए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बहुत इंसानों को कम मिलता है कि जो कि इतना कर सके गौ माता के लिए, और ये सौभाग्य भगवान ने हमें ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। गाँव तो कर ही रहा है जी, गाँव गुआंड तो सरकार को भी ज़्यादा योगदान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? सर ये बहुत ही नेक कार्य है जो सिंडवा गांव में पिछले 10-12 साल से गौशाला का आयोजन किया जा रहा है, और पशुओं की सेवा बढ़िया तरीके से हो रही है। आज मंत्री जी से लोगों को आशाएं हैं कि भाई वो अच्छा कुछ अनुदान